हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ज़्यादा चिट चैट नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बातें करेंगे। तो काम की बातें ये हैं कि आप देख सकते हो मेरा फेस है मेकअप के साथ, और अभी जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है बीटरूट पाउडर, जो कि जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रिच होती हैं। आपके कलर को एक पिंकिश ग्लो देता है, आपकी स्किन को अंदर से ग्लो प्रोवाइड करता है, आपके बालों के लिए भी हेल्दी रहता है। तो लेकिन हम सिर्फ आज बात करेंगे फेस के बारे में, ठीक है? तो फेस के बारे में हम बात करेंगे। आप देख सकते हो पैकेट ओपन है, मैंने पहले इसको यूज़ करा हुआ है। यहाँ पर हम अपने बालों को क्लिप ऑन कर लेंगे, जिससे बातों के बीच में ना डिस्टर्ब करें, ना आए हमारी बातों के बीच में, ठीक है गाइस? तो ये जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है बालों को बांधना। अभी हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे फेस पे मेकअप लगा हुआ है, और मेकअप उतना ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का मिनिमल सा मेकअप है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? हम फर्स्ट स्टेप से अपने शुरू करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होने वाला है हमारा रॉ मिल्क। रॉ मिल्क एज यू नो हर घर में मिल जाता है, कच्चा दूध, उबला हुआ दूध, जैसा आप लेना चाहें। रॉ मिल्क हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक कॉटन पैड लेके मैंने अपने स्किन को क्लेंस करना स्टार्ट कर दिया। आप देखोगे मेरे फेस से सारा मेकअप 1 से 2 मिनट में निकल जाएगा, ठीक है? ना ही यहाँ पे मैं कोई भी बाम यूज़ कर रही हूँ, ना ही यहाँ पे मैं कोई भी जेल यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो घर के प्रोडक्ट से, बिल्कुल शुद्ध प्रोडक्ट से, शुद्ध घर के प्रोडक्ट से नहीं, शुद्ध घर के आप अपनी चीज़ों से आप कैसे अपना मेकअप विदाउट अपनी स्किन को हार्म करे हुए, बिना ही किसी केमिकल ट्रीटेड प्रोडक्ट से आप कैसे इजीली अपने फेस को वाइप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? डेफिनेटली आप यूज़ करो कोई भी केमिकल प्रोडक्ट, आप जब यूज़ करो जब आप बहुत हरी में हो, नहीं तो आप बिल्कुल घर से देसी चीज़ों से जुड़ो, ठीक है? यहाँ पे मैंने फेस को अपना डबल क्लेंस कर लिया है, फेस वॉश प्लस क्लेंजिंग विद रॉ मिल्क, ठीक है? अब यहाँ पे हम अपने पहले स्टेप को ख़त्म करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फेस को पैट ड्राई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप प्रिपेयर करेंगे। अब मेरे को आपके सामने प्रिपेयर करना है, आप चाहते हो तो पहले भी प्रिपेयर करके रख सकते हो। इंग्रेडिएंट हम देखेंगे। अब आप देख सकते हो मेरे पे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स नहीं है, मेरे सिर्फ क्या है ब्रेकआउट है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत स्किन डलनेस है, और कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक, अब हम क्योंकि सेकेंड स्टेप हमारा स्क्रबिंग होने वाला है, तो यहाँ पे मैंने वीट नहीं, राइस पाउडर लिया है। राइस पाउडर आप नॉर्मली घर में प्रिपेयर कर सकते हो, राइस पाउडर के लिए कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा राइस पाउडर, राइस लो और ग्राइंड कर लो। सेकेंड प्रोडक्ट होने वाला है हमारा एक बीटरूट पाउडर, जो कि हम घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे प्रिपेयर होगा। यहाँ पे फिर मैंने रॉ मिल्क लिया है, जो आपकी आपकी स्किन को एक सूदनेस देगा, आपको एक इफेक्ट देगा। यहाँ पे मैंने लिया है रोज़ वाटर, सबके घर में होता है, और साथ में एलोवेरा। एलोवेरा आप कलर्ड, अनकलर्ड, घर में है, रॉ है, आपके पास पेड़ में लगा हुआ है, काटो, निकालो और पेस्ट बना लो, ठीक है? आप किसी भी टाइप का ले सकते हो। बस जो स्टेप्स मैंने फॉलो करे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ करे हैं, उनको मत स्किप करना। बस वो एज इट इज़ जैसे मैंने बताया उनको वैसे फॉलो करना। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, पहले पूरे फेस पे अपने पैक जो मैंने बनाया है स्क्रबिंग के लिए, वो मेरे पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, कि पूरे फेस को अच्छे से कवर करे। मेरी स्किन जो इवन हो गई है, इवन सॉरी अन इवन हो गई है, उसको पूरा ले। अब आप देखना मैंने आई लिड्स पे भी, अपने लिप्स पे भी, सब जगह इसको यूज़ करा है। अब क्या होता है, केमिकल जो प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल ट्रीटेड प्रोडक्ट्स आप अपनी आईज़ पे नहीं लगा सकते हो, ठीक है? उस आईज़ को बर्न करने लगेंगे। इन चीज़ों का यही फ़ायदा है, आप इजीली कहीं भी यूज़ कर सकते हो। साथ में आप जाते हो, जैसे आप सपोज़ किसी भी पार्लर में गए, या किसी भी जो बड़े बड़े केमिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं डॉक्टर, स्किन डॉक्टर जो होते हैं, उनके पास गए, अब वो क्या करेंगे, हाइड्रा फेशियल है सपोज़, आप वो उसके 4 से 5 हज़ार चार्ज करेंगे। अब आप क्या करोगे, घर के कुछ ही इंग्रेडिएंट से इतना अच्छा रिजल्ट ले लोगे, तो यार क्या ज़रूरत है 4-5 हज़ार रुपये खर्च करने की। घर के प्रोडक्ट यूज़ करो, ठीक है? बीटरूट पाउडर भी आप नहीं खरीद सकते तो घर में बना लो यार, क्या दिक्कत है? अब आप देख सकते हो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, जो कि राइस पाउडर के हैं, जो कि स्क्रबिंग का काम कर रहे हैं। बहुत हल्के हाथ से करेंगे, रगड़ना नहीं है हमको स्किन को, हमको स्किन को हल्के हाथों से मसाज देना है, जिससे कि डेड स्किन सारा निकल जाए और आपके पोर्स जो हैं इवनली क्लीन हो जाएं, खुल जाएं आपके पोर्स, क्लियर हो जाएं आपके पोर्स, आपकी स्किन में एक पिंकिश ग्लो आ जाए, ठीक है? अब आप यहाँ देखना है मेरी स्किन में कितना सपलनेस, कितना सॉफ्टनेस, कितना क्लियर स्किन आपको मेरी नज़र आ रही होगी। देखो सॉफ्टनेस देखो आप स्किन में, ये सॉफ्टनेस आपको जब नहीं मिलेगी जब आप किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट लोगे, कोई भी 1000-2000 वाला फेशियल आप करोगे, नहीं मिलेगी, ठीक है? सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे हम जल्दी से, क्योंकि नहीं तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लिया है सिंपल से। अब यहाँ पे लिया हमने ग्लिसरीन,
ग्लिसरीन यार सस्ती सी मिल जाती है, कहीं से भी ले लो, किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से ले लो, आपको 15-20 रुपए की ये बॉटल मिल जाएगी और ये आपको बहुत बार काम आने वाली है। हल्का सा रॉ मिल्क लिया है बिकॉज़ रॉ मिल्क में इतनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो फेस वॉश के तुरंत बाद अपने फेस पे आप रोज़ वाटर लगा लो। इससे जो है जो भी आपने स्किन में चीज़ यूज़ करी है वो लॉक हो जाती है, हाइड्रेशन, सपलनेस, एवरीथिंग विल बी लॉक देयर, ठीक है। यहाँ पे बचा कुछ पतंजलि का हनी जो मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप जो मर्जी आए हनी ले लेना, जो आपके घर में अवेलेबल हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पिंच ऑफ मुल्तानी मिट्टी लेंगे, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है तो इसलिए मैं यहाँ पे पिंच ऑफ मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ कि वो मेरे ऑयली और जो मेरा ड्राई स्किन है, वो ऑयली स्किन है, उसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन स्किन में चेंज कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पेस्ट क्रीम तैयार हो चुका है, अब हम इसको अगेन फुल्ली अपने स्किन पे लगाएंगे। ये होने वाला है हमारा थर्ड स्टेप, जो कि हमारे स्किन में एक ग्लो देगा, एक शीन देगा, एक हमारी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देगा, हमारी स्किन को ब्राइटनेस की तरफ पहुंचाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना एक पतला सा थिन सा मैंने पेस्ट ट्राई बनाया है सिंगल यूज़ के लिए। और देखो मैं आपको यूज़ आईलेट्स पे भी यूज़ कर रही हूँ, अपने हर एरिया पे, जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है मेरे को यूज़ करना चाहिए, जहाँ जहाँ हल्के हल्के हाथ से मसाज करना चाहिए, ऑल ओवर मैं अपनी स्किन को एक हल्का सा मसाज दूंगी, तो उसे 3 मिनट का, जो कि काफ़ी होगा, सफिशेंट होगा। कोई भी केमिकल मैंने ना यहाँ यूज़ नहीं कराया है, सभी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक मैंने चीज़ें ली हैं। अभी आप अगर कोई भी कॉस्मेटिक फेशियल लोगे, ठीक है, उसमें यार इतने केमिकल होते हैं ना, आप पढ़ के देखा करो एक बार बैक में उसका, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि आप कितना केमिकल अपने फेस को दे रहे हो। तो प्लीज़ वो ना करें, ठीक है। आप खुद से जुड़िए, आप जो आपकी किचन में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं आप उनको यूज़ करिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगेन फुल्ली वॉश करके आऊँगी अपने फेस को, उसके बाद आप रिज़ल्ट देखना। अभी देखना, मैं खुद शॉक थी कि इतना अच्छा रिज़ल्ट यार हाओ, क्योंकि मैं भी फुल फेशियल पहली बार यूज़ कर रही हूँ ये। अब आप देखो एक ग्लो देखो मेरे फेस पे, जो कि आपको ना एक बड़े बड़े ब्रांड की लूमी क्रीम से मिलेगा, वो आपको बिना किसी लूमी क्रीम के यहाँ मिलेगा। देख रहे हो आप, मेरे चिक्स चीक्स पे शाइन देखो, मेरी नोज़ पे शाइन देखो, मेरे बोन एरिया पे शाइन देखो, आप मेरी चिन पे शाइन देखो, आईब्रोज के आस पास मेरे शाइन देखो, ये ओरिजिनल शाइन है, ठीक है। ये ओरिजिनल शाइन है जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ने मेरे फेस को दिए। यहाँ पे इस बॉटल में स्प्रे अपना रोज़ वाटर फिल करके रखती हूँ हमेशा, मैं जब भी फेस वॉश करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं पहले ये यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होगा, आपने जो भी यूज़ करा है अगेन वो लॉक हो जाएगा आपकी स्किन में। दूसरा, हाइड्रेशन मिलेगी आपकी स्किन को, समर्स में हाइड्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पानी पी के रखिए, हाइड्रेशन दीजिए, जैसे भी आप दे सकते हैं वैसे दीजिए, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपना फोर्थ स्टेप रेडी करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा ब्राइटन अप करेंगे अपनी स्किन को। पता नहीं यार आप पिंक ग्लो देख पा रहे हो मेरे फेस पे, नहीं देख पा रहे हो, बट लिटरली मेरे को तो सब कुछ दिख रहा था, पिंक ग्लो क्या, शाइन क्या, मैं तो बड़ी खुश हो गई थी ये प्रोडक्ट यूज़ करके, ठीक है। वर्थ इट है यार, वर्थ इट जिसे बोलते हैं। आप देख सकते हो मेरे चिक्स कितना अच्छा शाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ये बाउल्स का सेट था और वुडन प्लेट का सेट था, जो कि मैंने मीशो से स्पेशली आप लोग के साथ DIY शेयर करने के लिए मंगाया था। मैं नहीं अपलोड कर पाती हूँ वीडियोस, क्योंकि थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल्ड है, बट डेफिनेटली मैं आपके साथ बनी रहूँगी एज लॉन्ग एज आई कैन बी पॉसिबल। अभी हम क्या करेंगे, अपना फोर्थ स्टेप बनाएंगे, जो कि ये मास्क, ये मुल्तानी मिट्टी का पैक जो मैंने आपको दिखाया है, इतना रिच होता है ये, इतना रिच होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप नॉर्मली भी मुल्तानी मिट्टी लो, किस दिन रॉ मिल्क में घोलो, अपने मुंह पे लगा लो, किस दिन रोज़ वाटर में डालो, अपने मुंह पे लगा लो, आपकी स्किन को एक इवन स्किन टोन प्रोवाइड करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑरेंज पील पाउडर लेंगे, जिसकी स्मेल बड़ी प्यारी है, ठीक है। अब हम इस दोनों का मिक्सचर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको अपनी स्किन को एक बूस्ट देना है, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। थोड़ा सा बीटरूट पाउडर ध्यान से लीजिएगा, एकदम से बाहर आता है इस पॉलीथीन के, तो किसी भी आप एयरटाइट कंटेनर में या तो उसको ट्रांसफ़र कर लो, या आपकी मर्जी है जैसे मर्जी है यूज़ करो। थोड़ा सा ऑरेंज पील, बहुत अच्छी स्मेल है, बहुत अच्छी। देखो मैं आपको शाइन दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश थी शाइन देख के अपने फेस की, क्योंकि मुझे नहीं मिलती किसी भी बाहर से फेशियल कराने पे शाइन। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें ली हैं, इनको मैं मिक्स कर लूँगी। अभी मिक्स करने के लिए अगेन हम क्या यूज़ करेंगे,
थोड़ा सा रॉ मिल्क, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। जितना ही बीटरूट इम्पॉर्टेंट है उतने ही रॉ मिल्क इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा रोज़ वाटर, जिससे कि आपकी स्किन को ड्राई फील ना हो जब आप ये सब यूज़ करोगे। और यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा सा क्या करूँगी, थोड़ा सा ग्लिसरीन, इवन स्किन टोन, ब्लेमिशेस, एवरीथिंग जो भी हमारे फेस पे है हम उसको ट्रीट करने के लिए ये सब प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एलोवेरा जेल, सभी स्टेप में आपको प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। बिल्कुल भी आपको लेथार्जिक फील करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्किन के लिए भी आप अगर इतना टाइम नहीं दे सकते हो तो फिर यार किसके लिए दोगे। ये प्लेट देखो कितनी अच्छी है, मैं ज़रूर से लिंक डालूंगी इसका अगर मेरे को मिला तो। अभी हम सब पेस्ट बना लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा थिक लग रहा था तो मैंने इसको आगे जाके थोड़ा सा इसको कंसिस्टेंसी को लूज़ करा था रॉ मिल्क डाल के, जो कि बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो गया था। अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा मतलब कि थिक कंसिस्टेंसी में है ये। मैंने को थोड़ा सा देखो रॉ मिल्क डाल के इसको लूज़ करा है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे फेस पे आप देख लो, खुद देख सकते हो यार कितनी, मतलब कोई सन लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद मेरी स्किन ऐसी है, और प्रॉपर अगर मैंने लाइटनिंग में शूट करता तो आपको डेफिनेटली प्रॉपर रिजल्ट पता चलते। मेरे रूम में ना थोड़ा सनशाइन का प्रॉब्लम रहता है। अब आप यहाँ पे क्या करना है, आपको पैड ड्राई नहीं करना है फेस, या सॉरी पैड ड्राई नहीं, फुली ड्राई नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने सेमी ड्राई करा है वो कर लेना है बस आपको, सेमी ड्राई बस। सेमी ड्राई के बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसको हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में आप इसको स्क्रब, मतलब सॉरी स्क्रब नहीं, पूरे फेस पे मसाज कर लो इस पैक की, जो कि मैंने नहीं करी थी, ऑलरेडी स्क्रबिंग हो चुकी थी। आप चाहो तो कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखो मैंने आप फेस वॉश करा है, अब आप देखो स्किन में फ़र्क मेरी, ठीक है। अगर मेरे पास पुराना फोटो मैंने लिया हो तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करती, बट आप वीडियो से जुड़े हो तो आप देखो एक पिंकिश ग्लो आप देख सकते हो। नोज़ पे मेरी पिंक ग्लो देखो, मेरे चीक्स पे पिंक ग्लो देखो, आप मेरा स्किन टोन में फ़र्क देखो, जो मैंने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में फेस वॉश करा था, और अभी आई एम वेरी वेरी हैप्पी। चलो मैं आपको सनलाइट में दिखाती हूँ कि सनलाइट में कैसा लग रहा है मेरा फेस। चलते हैं हम थोड़ा सा बाहर की तरफ। आप यहाँ पे देखो पिंक ग्लो देखो, क्लियर स्किन, इवन स्को स्किन मेरी, इवन सॉरी इवन स्किन टोन कितनी लग रही है। यहाँ देखो बीट रूट है जो कि मैंने सुखाए हुए हैं, और मैं इनका फाइन पाउडर बना लूँगी। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे तो मैं इसको भी यूज़ करती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं कभी कभी, एक चम्मच घोला पानी में और पी लिया, ठीक है। और आप देखो मेरी स्किन यार, आई एम डेफिनेटली इन लव इट। और यहाँ पे मैं बाय बाय कर रही हूँ लेकिन मेरा मन नहीं भरा है आपको तारीफ करने से इस फेशियल की। अब मैं फिर अंदर आ गई हूँ, अब आप देखो सनशाइन में क्या फ़र्क दिख रहा था और अंदर लाइटिंग में क्या फ़र्क दिख रहा है, तो आप देख सकते हो। डेफिनेटली आप इसको ट्राई करो, और गाइज देख के मत जाना प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इट्स नीडेड। बहुत टाइम हो गया है अब तो, सब्सक्राइबर और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करा दो।